तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 पैसे के स्टील वाले कॉइन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल हो जाता है। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉइन 50 पैसे के देखने को मिलते हैं, यही स्टील वाले कॉइन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो कॉइन है 50 पैसे का, 1988 से लेकर 2007 तक इसकी मिंटेज हुई थी, यानी इसको 1988 से लेकर 2007 तक बनाया गया था। और ये कॉइन सबसे कॉमन कॉइन माना जाता है 50 पैसे का, क्योंकि ये आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। इस कॉइन की अगर हम वेट की बात करते हैं तो इस कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 3.79 ग्राम्स तक होता है। और कॉइन का जो साइज यानी जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 22 mm तक होता है। और कॉइन की अगर मेटल की बात करते हैं तो इस कॉइन का जो मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। और ये कॉइन आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस 50 पैसे में अगर सबसे ज्यादा रेयर कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं 1993 के बॉम्बे, हैदराबाद और कोलकाता मिंट के कॉइन। ये जो होते हैं सबसे ज्यादा रेयर होते हैं। इनकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो आपका जो बॉम्बे मिंट का 1993 का कॉइन होता है उसकी जो वैल्यू होती है 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। और उसके बाद से जो हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है उसकी वैल्यू 700 से 1000 तक होती है। और कोलकाता मिंट का जो कॉइन होता है 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये जो तीन कॉइन है 1993 के, ये रेयर कॉइन होते हैं 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन में। उसके बाद से दोस्तों कुछ ईयर के कॉइन्स और भी होते हैं जो कि आज की डेट में स्कैर्स कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप अपने कलेक्शन में रखते हैं तो इनकी वैल्यू आगे चल के बहुत बढ़ सकती है। उन कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉइन आता है 1988 का कोलकाता मिंट का कॉइन। आज की डेट में इस कॉइन की जो वैल्यू होती है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। अगर आप अपने कलेक्शन में रखते हैं, अच्छी कंडीशन में रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी। उसके बाद से दोस्तों आता है 1992 का कोलकाता मिंट का कॉइन। ये जो कॉइन है 1992 का कोलकाता मिंट का कॉइन, ये भी एक स्केयर्स कैटेगरी का कॉइन है। इसकी भी जो वैल्यू है आज की डेट में 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक होती है। इसको भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों है 1997 का कोलकाता और हैदराबाद मिंट का कॉइन। ये जो दो कॉइन होते हैं ये भी स्केयर्स कैटेगरी के कॉइन है। आज की डेट में इसकी वैल्यू 100 से 120 रुपए तक होती है। तो ये सारे कॉइन जो हमने स्केयर्स कैटेगरी वाले आपको बताए, ये आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आगे चल के वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है, मार्केट में जब भी कॉइन देखने को सर्कुलेशन में नहीं मिलते हैं तो उनकी जो डिमांड हो जाती है हाई होती है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। वैसे अगर सबसे ज्यादा रेयर कॉइन की बात करें तो वही जो 1993 के हमने तीन कॉइन बताए थे वही सबसे ज्यादा रेयर कॉइन होते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, तो उनको बेचे कहां पे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कलेक्शन करने से मतलब नहीं है, बस उनको अपने कॉइन सेल करने हैं। दोस्तों आपको एक बात साफ साफ बताते, अगर आपको अपने कॉइन्स बेचने हैं तो फिजिकली जा करके कॉइन एग्जीबिशन में ही सेल करें। वहां पे बहुत सारे आपको कॉइन डीलर्स मिल जाएंगे। कभी भी ऑनलाइन सेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑनलाइन से फ्रॉड होता है। आप कॉइन एग्जीबिशन में जा करके सेल करेंगे तो वहां पे आपको आपके कॉइन की जेन्युइन वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों आपको एक और बात बता दें, इसके बाद जो कॉइन आते हैं, जो भी हमने स्केयर्स और रेयर वाले बताए उनको हटा करके जो भी कॉइन आपके पास 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन है, उनकी जो वैल्यू होती है 3 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कॉइन की कंडीशन होगी वैसे ही कॉइन की वैल्यू होगी, क्योंकि ये कॉमन कॉइन है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाया गया था इसको, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जो भी स्केयर्स या रेयर कॉइन कैटेगरी हमने बताई है वो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, उसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जो मिंटेज हुई थी लो थी, इसकी वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। बाकी जो कॉइन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है। बहुत कम ही लोग उसको अपने कलेक्शन में रखते हैं, और रखते भी है तो एक से दो कॉइन रखते हैं। तो जिनको भी लगता है कि 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन 20-25 साल 30 साल पुराने और उनकी वैल्यू आपको हजारों या लाखों मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वैल्यू हमने बताई अप्रॉक्स उतनी ही वैल्यू मिलती है उनके आपको मार्केट में भी। और दोस्तों अगर आप कॉइन एग्जीबिशन में अपने कॉइन सेल करने जाते हैं तो जो भी वैल्यू हमने बताई है उतनी वैल्यू के अप्रॉक्स ही वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप ये सोच करके जाते हैं कि आपको लाखों और करोड़ों मिल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी कॉइन्स है उनकी एक जेन्युइन वैल्यू है। वही वैल्यू अगर आप डिमांड करें तो आपके जो कॉइन आसानी से सेल हो जाएंगे। अगर आपके पास 1993 का जो रेयर कॉइन है बॉम्बे मिंट का या हैदराबाद मिंट का, और उसको आप सेल करने जाते तो मैक्सिमम उसका 1000 रुपए ही मांग सकते हैं। अगर आप उसका 10,000 20,000 मांगे तो कभी सेल नहीं होगा।
तो उसकी जो जेन्युइन वैल्यू है वही डिमांड करें। दोस्तों आप बात करते हैं, अगर आपके पास कोई पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉइन की इमेजेस सेंड कर सकते हैं। आपके जो कॉइन की जेन्युइन वैल्यू है हम जरूर बताएंगे। दोस्तों आप बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।